ये पॉकेट फ्रेंडली कैमरा कुछ ये कर सकता है। ये है इंस्टा 360 X3। सो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको देखने लिए मिलता है एंड इसके अंदर आपको एक कैमरा, एक पाउच, कुछ डॉक्यूमेंटेशन और इंस्टा 360 का स्टिकर्स भी है और टाइप सी केबल और एक क्लीनिंग क्लोथ। वैसे कैमरा से थोड़ा लाइट वेट है और इस साइड आपको हाफ इंचेस का सेंसर देखने लिए मिलता है और इस साइड भी हाफ इंचेस का सेंसर देखने लिए मिलता है। और इसके अलावा बिना 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइक भी दिया हुआ है और उसी के साथ टच स्क्रीन डिस्प्ले और रिमूवेबल बैटरी भी मिल जाता है और यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है। वैसे बिल्ड तो स्ट्रांग है लेकिन डर ये है कि ये जो सेंसर है ना ये बाहर आया हुआ है तो स्क्रैचेस गिरने का चांसेस ज्यादा है। सो सबसे पहले इसे ऑन कर लेते हैं। अब ये यहाँ पे ऑन हो चुका है। ये हाफ इंच का सेंसर ऐसा बना हुआ है ना जैसे आप 360 डिग्री में फोटो जो है कैप्चर कर सकते हो या वीडियो भी कैप्चर कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल 48 MP का सेंसर देखने लिए मिल जाता है जो एकदम क्रिस्प फोटो जो है कैप्चर कर सकता है। और अगर वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो 5.7K में ये रिकॉर्ड कर सकता है और अगर आप फोटो लेना चाहते हो तो 72 MP में आप फोटो भी कैप्चर कर सकते हो जो काफी ज्यादा डिटेल के साथ आता है। अब यहाँ पे सिंगल लेंस का हम बाद में बात करते हैं, पहले 360 में क्या क्या फीचर्स मिलता है ये मैं आपको बताता हूँ। 8K में आप टाइम लैप्स ले सकते हो, वो भी आपके सेटिंग्स के हिसाब से। और जितना भी मैंने वीडियो लिया ना ये सर्कल टाइप में जो वीडियो फुटेज मिलता है वो एकदम मस्त लगता है। मतलब 360 में राउंड शेप में ऐसा लग रहा है कि प्लैनेट में हम बाइक चला रहे हैं, मतलब ये काफी ज्यादा कूल लगता है। वैसे तो इसमें नॉर्मल वीडियो और एक्टिव HDR मिलता है और एक्टिव HDR उस टाइम पे काम आएगा जब हार्श लाइट आप पे पड़ता है ना, वो टाइम पे ये ज्यादातर यूजफुल होने वाला है। चाहे तो आप दोनों का सैंपल यहाँ पे देख सकते हो स्काई कितना क्लियर है। और अगर आप ट्राई करना चाहते हो इसका सिंगल लेंस को तो यहाँ पे और एक चीज मिल जाता है जो है मी मोड, जिसमें कुछ इस तरीके का फुटेज आपको देखने लिए मिलेगा। और अगर सिंगल लेंस में नॉर्मल वीडियो कैप्चर करना चाहते हो ना तो 4K 30 FPS तक आप यहाँ पे शूट कर सकते हो और इसमें भी आपको सब चीजें सेम देखने लिए मिलेगा मी मोड के अलावा। वैसे हाँ, सिर्फ वीडियो के लिए नहीं फोटोज के लिए भी ये काफी ज्यादा सही है। एक तो 72 MP में ये फोटोज कैप्चर कर सकता है और कितना भी अल्ट्रा वाइड से आप फोटो कैप्चर करो जब आप उसे जूम करोगे ना आपका क्वालिटी लॉस यहाँ पे नहीं होगा। और नॉर्मल फोटोज को आप 360 में भी कन्वर्ट कर सकते हो और ये काफी ज्यादा फनी लगता है। और जो भी फोटोज कैप्चर कर रहे हो ना आप मैक्स अल्ट्रा वाइड में यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो और उसे एडिटिंग के टाइम पे उसे एडजस्ट भी कर सकते हो। और वीडियोज की तरह आप इसे भी सेम फोटोज को अलग अलग साइज में रिसाइज कर सकते हो और यहाँ पे भी आपका फोटो का क्वालिटी कम नहीं होगा। एंड हाँ, उसके साथ कुछ एडिशनल एसेसरीज भी है। इनविजिबल सेल्फी स्टिक देखने लिए मिलता है, कुछ इस तरीके का स्टिक आपको यहाँ पे देखने लिए मिलता है और इसका हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। अब इसका फायदा क्या है यह आप इस वीडियो में देख सकते हो। इसमें पूरा स्टिक जो है आपका इनविजिबल हो जाएगा। आप कोई भी फुटेज यहाँ पे शूट कर रहे हो उसमें सिर्फ आप और आपका बैकग्राउंड दिखेगा, लेकिन जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना सेल्फी स्टिक वो यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। जैसे नॉर्मली यहाँ पे मोटो ब्लॉगिंग करते हो ना तो आपको हर एक डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, सिंपली अपना स्टिक को यहाँ पे माउंट कर दो, उसके बाद सिंगल रिकॉर्ड पे आप अलग अलग सिनेरियो को एडिट कर सकते हो 360 एंगल में। अच्छा बाय द वे, ये सेल्फी स्टिक को गायब करने के लिए ना आपको यहाँ पे मी मोड मिल जाता है, उसे इनेबल करना जरूरी है वरना ये पॉसिबल नहीं है। और ये स्पेशल यूज उनके लिए होगा जो मोटो ब्लॉगिंग करते हैं या व्लॉगिंग करते ना, उनके लिए ज्यादा यूजफुल है। मी मोड का डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे 1080p आप शूट कर सकते हो लेकिन 60 FPS तक। और अगर आप YouTube के लिए सेम कंटेंट बनाना चाहते हो 16:9 में सेम वन साइडेड में आप ये चीज रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें आपको 360 व्यूज तो नहीं मिलेगा लेकिन जो व्यू आपने एडजस्ट किया है वो एकदम अल्ट्रा वाइड में दिखेगा। और इसका प्लस पॉइंट है कि आप सेम फुटेज को बिना कोई क्वालिटी लॉस किए 16:9 मतलब YouTube के लिए भी डाल सकते हो और 9:16 Instagram के लिए भी डाल सकते हो। आपका वीडियो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और एक बार इसे यूज टू हो गया ना आपको यहाँ पे क्विक मेनू का भी ऑप्शन देखने मिल जाता है जिसमें आप अपना हिसाब से प्रीसेट को बना सकते हो और जब भी आपको चाहिए उसे प्रेस करके आप वीडियो शूट कर सकते हो। ये मुझे ज्यादा ही कूल लगा। टोटल 5 मेनू मिल जाता है जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। उसके साथ आप जैसे इसे स्वाइप डाउन करोगे आपको यहाँ पे मेनू दिख जाएगा। स्टार्टिंग में आप साउंड्स को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, सेकंड में इंडिकेटर लाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हो। जब भी आप शूट करते हो ना यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक होता है, इसे आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। और जब भी आप कोई भी बटन प्रेस करते हो ना तो उसका हैप्टिक वाइब्रेशन जो है उसे भी आप ऑफ या ऑन कर सकते हो। ब्राइटनेस कितना चाहिए उतना कम ज्यादा कर सकते हो और उसके अलावा आप इसे डायरेक्टली ब्लूटूथ थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। स्टेबिलाइजेशन का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने लिए मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सेटिंग देखने लिए मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई फुटेज को कैप्चर कर रहे हो ना तो सिंपली आपको यहाँ पे राइट स्वाइप करना है, आपने जितना भी फोटो या वीडियोस कैप्चर किया हुआ है ना वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो या उसका प्रीव्यू देखना है
तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। इसके साथ और एक एक्सेसरीज मिल जाता है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लेंस खराब हो सकता है, इसके लिए लेंस कैप आपको यहाँ पे मिलता है। पूरा रबराइज्ड मटेरियल है जिससे आप अपना इंस्टा 360 का लेंस को खराब होने से बचा सकते हो। वेल अब आते हैं इसका बैटरी पे। अब डिपेंड है कि आप कौन सा रिजोल्यूशन में कैप्चर कर रहे हो। अगर आप कंटिन्यू इसे ऑन रखोगे और कंटिन्यू 4K 30 FPS पे अगर आप शूट करोगे तो ऑलमोस्ट 3-4 घंटे का बैटरी बैकअप आपको आराम से दे देगा। और अगर आप मेरे जैसे जो 15-20 मिनट के लिए अलग अलग मोड को यहाँ पे यूज कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 1 दिन तक यहाँ पे ये चलने वाला है। बस आपको ये याद रखना है कि जो भी आप मेमोरी कार्ड यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो ना उसका कैपेसिटी ज्यादा हो, क्योंकि इसका फुटेजेस इतना बड़ा साइज का रहता है ना कि आप अगर 64GB या 128GB डालोगे तो वो वेस्ट ही है। मैं यहाँ पे 512GB का यहाँ पे इंसर्ट किया हूँ जो मेरा 6 दिन का फुटेजेस को सेफ रखा है। तो मेक श्योर कि अगर आप ये कैमरा ले रहे हो तो इस तरीके का SD कार्ड आपको लेना जरूरी है। अब इसमें ऐप सपोर्ट भी देखने मिल जाता है, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में भी आपको ऐप देखने मिल जाएगा। सिंपली उसे आपको इंस्टॉल करना है, अपना कैमरा को उसके साथ पेयर करना है, उसके बाद आप अपना मोबाइल को ही कैमरा जैसे यूज कर सकते हो। लेकिन मुझे एक्चुअली इसका क्या अच्छा लगा पता है, आप कोई भी एंगल में इसे घुमाओ ये आपका फेस को ट्रैक करेगा AI के मदद से, जो मुझे एक्चुअली काफी ज्यादा कूल लगा। और अगर आप कोई भी फुटेजेस 360 में कैप्चर कर रहे हो और उसके आपको एडिट करना है तो PC और Mac के लिए भी आपको Insta 360 का एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। सिंपली उसे इंस्टॉल करना है और अपना कैमरा को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देना है। इसके बाद पूरा फुटेजेस इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी 360 में आप वीडियो कैप्चर किया ना उसका एंगल, स्पीड, रोटेशन सब कुछ आप चेंज करके एक बेटर वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो भी 4K में। और सेम फुटेजेस को आप 16:9 मतलब यूट्यूब के लिए या 9:16 इंस्टाग्राम के लिए दोनों में भी अपलोड कर सकते हो विदाउट लूजिंग क्वालिटी। मतलब इसमें इतना फीचर्स है ना, मैंने भी सबको यूज नहीं किया है लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा सही था, क्योंकि ये अवेलेबल है 45,000 में। और अगर मार्केट में अगर कोई भी एक्शन कैमरा देखोगे जो 45,000 में इतना सब कुछ फीचर्स प्रोवाइड नहीं करता विद ऐप सपोर्ट, मतलब काफी लोगों का मन में ये होगा कि क्या ये 45,000 में वर्थ इट है। देखो अगर आप कोई भी एक्शन कैमरा लोगे तो उसका प्राइस ऑलमोस्ट इतना ही है, लेकिन अगर आप 360 में वीडियोस कैप्चर करना चाहते हो तो ज्यादातर ऑप्शंस आपको देखने लिए नहीं मिलता। लेकिन अगर आप DSLR लेके व्लॉगिंग करना चाहते हो तो ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख तक जाएगा और उसका वेट भी ज्यादा है। लेकिन ये छोटा सा पॉकेट फ्रेंडली कैमरा आपका सब नीड्स को कंप्लीट कर सकता है, वो भी 45,000 में, और इसमें कुछ ज्यादा ही फीचर्स है। तो मेरे हिसाब से अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हो या मोटो व्लॉगिंग करते हो या कुछ मेमोरीज को कैप्चर करना चाहते हो तो ये डिवाइस आपके लिए परफेक्ट है। सो ये था Insta 360 X3 का मेरा रिव्यू। आपको कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं मिलूंगा मेरा और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।